हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। खाद्य निगम कर्मियों ने दिया धरना। भारतीय खाद्य निगम एग्जीक्यूटिव स्टाफ यूनियन की तरफ से लंबित मांगों के निस्तारण और वेतन निर्धारण समय पर करने के लिए एक दिवसीय धरना भारतीय खाद्य निगम कार्यालय के बाहर दिया गया। यूनियन के कैलाशदान चरण ने बताया कि भारतीय खाद्य निगम में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन निर्धारण 1 जनवरी 2017 से देय बनता है, जो कि आज तक भारतीय खाद्य निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक द्वारा सकारात्मक कार्यवाही नहीं करने की वजह से लंबित है। कर्मचारियों के कैफेटेरिया की मांग पुरानी है। निगम में कैटेगरी सेकंड के अधिकारियों को पहले से ही 40% कैफेटेरिया दिया जा रहा है, उसी के अनुरूप कैटेगरी तृतीय के कर्मचारियों को भी दिया जाए। फील्ड स्टाफ जो आगारों में कार्यरत है उनको भंडारण क्षति के मामले में आरोप पत्र देकर प्रताड़ित किया जा रहा है और भंडारण हानि परिपत्र दिनांक 12 दिसंबर 2012 के अनुरूप होने पर भी उनकी कटौती कर्मचारियों के वेतन से की जा रही है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मेडिकल सुविधा व्यय बढ़ाया जाना अनिवार्य है, क्योंकि कर्मचारियों को मात्र 18,000 रूपए आउटडोर के खर्च के रूप में मिलते हैं, जो कि बहुत ही कम राशि है। इसके लिए वास्तविक मेडिकल खर्च दिए जाने की मांग चल रही है। इन मांगों के समर्थन और विशेष कर वेज रिविजन शीघ्र लागू किए जाने हेतु शुक्रवार को देश भर से जिला कार्यालय स्तर पर एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने में जय सिंह सारण, कुंजीलाल मीणा, रामजीलाल मीणा, हर्षवर्धन सिंह राठौड़, रतन सिंह नरुका, सुरेश रैगड़ आदि उपस्थित थे। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।